हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेडर विक्रम चंदा। अभी जो है हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेड प्लान बना लेंगे और एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी भी तैयार करेंगे। हम लोगों ने 4 अगस्त के एक्सपायरी के लिए भी ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रेटजी बनाया था, जो 100% करेक्ट हुआ। प्रॉफिट भी मिला, 1-2% का प्रॉफिट मिला। 11 अगस्त का जो आज का जो एक्सपायरी है उसमें भी 1.5-2% का प्रॉफिट मिला हुआ है। और अभी जो है हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी 18 अगस्त के एक्सपायरी के लिए अभी ट्रेड प्लान करते हैं। तो उससे पहले जो है अभी मार्केट थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। तो आज का जो है करेंसी मार्केट 82.80 के आसपास ओपन हुआ, जो हम लोगों ने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में भी बोला था कि अगर मार्केट जो है 82.80 के ऊपर जाता है तो हम लोग जो है बुलिश साइड पर रहेंगे। और कल शाम को जो एक क्रूशियल डेटा भी निकला था यूएस सीपीआई को लेकर, जो डेटा है थोड़ा वीक रहा, मतलब इक्विटी मार्केट के लिए वीक रहा और करेंसी मार्केट के लिए यूएसडी आईएनआर के लिए पॉजिटिव रहा, जिसके बाद जो है अभी थोड़ा अपमूव दिख रहा है। और अभी जो है करंट 82.82 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत ही वॉलेटिलिटी आज मार्केट में, क्योंकि कल का जो इवेंट था उसका अभी रिएक्शन हो रहा है, थोड़ा वॉलेटिलिटी दिखेगा आज मार्केट में। और अभी जो है हम लोग पूरा अच्छा प्लानिंग कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए और हम लोग चले जाते हैं डेली चार्ट पे। तो दोस्तों, अभी जो है मार्केट अपमूव रहेगा और डाउनसाइड रिस्क घट गया है अभी, तो हम लोग जो है सेफ स्ट्रेटजी लेते हैं जहाँ पे रिस्क भी कम हो, रिवार्ड भी कंपैरेटिवली कम ही होगा। 2-3% का आरओआई हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग 82 का हम लोग जो है पी सेल कर देंगे और 81.75 का पी बाय कर देंगे। बाय करने का ये मतलब है कि हम लोग जो है अपने पोजीशन को हेज कर रहे हैं, और 82 पी सेल करने का मतलब यही है कि हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट जो है 18 तारीख तक 82 के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट जो है अपमूव में रहेगा, ऊपर जा सकता है, 83.25 का भी लेवल टच कर सकता है। तो ये रहा हम लोगों का नेक्स्ट वीक के लिए सेफ स्ट्रेटजी। अगर आप लोगों ने वो पुराना वीडियो नहीं देखा है 11 अगस्त एक्सपायरी का, जो हम लोगों ने लास्ट वीक बनाया था, जहाँ पे हम लोगों ने प्लानिंग किया था कि हम लोगों को 83.25 का सी सेल करना है और 83.50 का पी सेल करना है, बाय करना है सॉरी। तो उसका ये मतलब था कि हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि 11 अगस्त तक जो है मार्केट 83.25 के ऊपर नहीं जाएगा। तो आज तो एक्सपायरी है और मार्केट 83 भी क्रॉस नहीं किया है, तो हम लोग को जो है आराम से डिकेइंग का प्रॉफिट मिल गया है। तो उसी तरह से जो है अभी हम लोग जो है नेक्स्ट एक्सपायरी 18 अगस्त के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग 81.75 का पी बाय करेंगे और 82 का पी सेल करेंगे। और अगर इन बिटवीन कोई करेक्शन या कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो मैं जो है आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा और वहाँ से जो आप लोग उसको देख के अपने हिसाब से उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ऑप्शन सेलिंग जो है लो रिस्क, अगर आप लोग हेज करके काम करते हैं तो रिस्क लो है और अच्छा रिटर्न, 2-3% का वीकली रिटर्न मिल जाता है यूएसडी आईएनआर में। आप लोग कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप लोग ट्रेड लेते हैं तो अपने रिस्क पे लीजिए या सेवी रजिस्टर्ड कोई फिनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करके कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।